गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. टुडे वी डिस्कस योर चैप्टर इज चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड से लिए गए हैं मॉर्फे, इसका मतलब फॉर्म और लोगों का मतलब स्टडी. तो इज द स्टडी ऑफ आउटर अपीयरेंस स्ट्रक्चर शेप एंड साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं, उसके आकार की जो बाह्य आकृति होती है उसकी स्टडी करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो यहाँ पर आप करेंगे प्लांट्स को, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन को, प्लांट्स के फ्लावर्स को, उसके जो प्लांट्स के फ्लावर हैं, रूट हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, उनको क्लास. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. तो फ्लावरिंग प्लांट जैसे एंजियोस्पर्मी को बोलते हैं, एंजियोस्पर्म आपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में. तो एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं. अब टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं आप, तो आप इसको रूट्स में, स्टेम में, लीफ में, फ्लावर में, रूट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो एराइज कोई भी प्लांट्स एराइज फ्रॉम रेडिकल पार्ट्स ऑफ द सीड. अब इनके फंक्शन की बात करते हैं रूट्स के. जैसे कि आप देखेंगे प्लांट्स के, तो रूट्स, अब ये रूट्स जिस टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर रूट कैप, रूट हेयर्स, ये जो टिप पर होता है ये रूट कैप होती है. फिर इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेल डिवीजन रीजन, यहाँ से सेल डिवीजन होती हैं. फिर सेल इलोंगेशन रीजन होता है, सेल बड़ी होती है, यहाँ से इलोंगेशन रीजन होता है, ये ऐसा एरिया होता है. यहाँ पर सेल मैच्योर आती है, मैच्योरेशन रीजन होता है. ठीक है, तो ये जो रूट कैप है ये, तो द टिप ऑफ द रूट इज प्रोटेक्ट बाय अ कवरिंग कॉल्ड रूट कैप. इन एक्वाटिक प्लांट्स कैसे रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं. जैसे पिस्टिया है, उसमें क्या होती है, रूट पॉकेट होते हैं. अब सेल डिवीजन क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक जो रीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़े थे. तो स्मॉल रीजन इन रूट टिप प्रोटेक्टेड ऑफ रूट कैप. तो इट कंटेन्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. फिर एलोंगेशन जोन आता है आपका. तो अब मेरिस्टेमेटिक रीजन से ऊपर, ये हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन है टिप पर पाया जाता है. तो अब मेरिस्टेमेटिक रीजन, इट इज द रीजन ऑफ रैपिड ग्रोथ. ग्रोथ होती है यहाँ पर, डिवीजन होगा फिर क्या होगी, ग्रोथ होगी, रूट की लेंथ की ग्रोथ होगी. फिर मैच्योरेशन जो, यहाँ पर क्या होता है, मैच्योर होने लगती है. अबव एलोंगेशन जोन के बाद द मैच्योरेशन जोन इज प्रेजेंट विच एक्सटेंड्स अप टू द रूट बेस. तो दिस जोन कंटेन्स रूट हेयर्स एंड गिव्स राइज टू लेटरल रूट्स. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रूट्स होती हैं आपकी. टू टाइप्स ऑफ रूट होती हैं, एक टेप रूट सिस्टम होता है और एक एडवांटेजियस रूट सिस्टम होता है. अब टेप रूट जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, अराइज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ सीड. जबकि एडवांटेजियस जो रूट सिस्टम होता है, अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल. दिस टाइप से आप देखेंगे ये क्या है, आपकी वेरियस मॉडिफिकेशंस ऑफ टेप रूट्स है. जैसे आपका रेडिश में, टर्निप में, कैरेट में, मैराबिलस में, ये सकरंजी टाइप होती है. अब ये रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स, ये फ्यूसिफॉर्म होती है रेडिश, ये नेपी फॉर्म होती है टर्निप की, आपने देखा होगा नेपी टू, ये कोनिकल कैरेट की, और ये ट्यूबरस. ठीक है, एडवांटेजियस रूट सिस्टम होता है. दिस टाइप से आपको मिलेंगी आपकी ट्यूबरस रूट, फैसिकुलेटेड ट्यूब्स,
मोरेलीफॉर्म रूट्स, नूडुलस रूट्स और एनोटेटेड रूट्स। इसी प्रकार से आप देखेंगे मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। अब मैकेनिकल सपोर्ट आपको जैसे कि आपका प्रॉप रूट्स, जैसे आप देखेंगे प्रॉप रूट बरगद में पाई जाती है आपके बनियन ट्री में, दाढ़ी नुमा इसकी ऐसा लग रहा है दाढ़ी नुमा है, दाढ़ी टाइप सी लगती है बनियन ट्री में जो हमारा नेशन ट्री होता है। ऐसे स्टिल्ट रूट्स या आपको चेरी बाजरे में देखने को मिल जाएगी, क्लाइंबिंग रूट या आपको देखने में मनी प्लांट वगैरह में देखने को मिलेंगे। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से परफॉर्मिंग अदर फंक्शन के लिए जैसे कि कुछ शकिंग पैरासाइट रूट्स होती है कस्कुटा में, दूसरे सब में भोजन प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। फ्लोटिंग रूट्स होती हैं दूसिया रेपिन्स में, दिस टाइप से आपकी फ्लोटिंग रूट्स। एरियल रूट्स एपिफाइटिक रूट्स होती हैं वेंडा में, ऑर्चिड्स में जिस टाइप के। एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं आपके टीनोस्पोरा में, ट्रैपा में। रिप्रोडक्टिव रूट्स होती हैं इसके द्वारा नए नई रूट्स बनती हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो में। फिर न्यू मेटाफोर्स या आपको देखने मिलेंगी दिस टाइप की इन राइजोफोरा। अब बात करें स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम की, तो मेन पार्ट ऑफ शूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमल इज कॉल्ड स्टेम। तो इट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द प्लूमल यानी सीड्स ऑफ सीड्स। इस पर नोट्स मिलेंगे आपको, इंटर नोट्स मिलेंगे दोनों नोट्स के बीच में। मल्टी सेलुलर हेयर्स मिलेंगे शूट एपेक्स में पाया जाता है। तो टाइप्स ऑफ स्टेम की बात करें तो कोडेक्स जैसे पाम ट्री में, कम आपका बंबूज में, स्केप अनियन में आपका, प्रोकम्बेंट ऑक्सेलिस में, डिकोमेंट टोडेक्स में, डिफ्यूज आपका परेबिया में, क्रीपर्स आपके जैसे ग्रासेस क्रीपर्स होते हैं, ट्विंगर्स डिस्कोरिया में, और क्लाइंबर्स जो क्लाइंबर्स होते हैं जैसे आपका कस्कुटा ऑर्केस्ट्रस। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।